मुरली मुरली आया सर। एक ग्लास कॉफी लेके आ। और सर उन दो लेडीज को बियर और टेकिला। सक्सेस के बाद एनर्जी आ ही जाती है मुरली। दो दो लड़कियां। हाँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। एक कल आप लेकर आए थे और दूसरी कैमरा लेकर आकर बाहर। कैमरा वाली को बैठा और कमरे वाली का पैकअप कर दे। जा रही हूँ मैं। कल रात को मजा आया नहीं? नहीं। और तुम्हें मेरे साथ नहीं उस सिल के साथ होना चाहिए था। पूरी रात तुम मुझे छोड़कर उस घटिया औरत का नाम ले रहे थे। I'm sorry, baby. अच्छा एक बात बताओ, जब मैं उसका नाम ले रहा था तो गुस्से से ले रहा था या प्यार से? What? नहीं, प्रॉब्लम इज कि आई हेट हर और वो सोचती है कि मैं उसे चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अंदर की फीलिंग्स क्या कहती है। यू आर मैड, यू आर एब्सोल्युटली मैड। बाय, आई विल कॉल यू। या श्योर, तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। फिर भी तुम मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो गई और घटिया सिल्क को कह रही हो। ये मेरे साथ कौन सी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो गई सिल्क? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे लिए लड़ने लग गया मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें बहुत गालियां देती हुई गई है। ये तो बच्ची थी, पिछले हफ्ते वाली तो मेरा सर तोड़ के गई थी। तब तुम कुछ नहीं थे, अब हो। अगले हफ्ते फिर कुछ नहीं रहूंगा। मैं कोई फिल्म नहीं हूं जो हर हफ्ते बदल जाऊंगा। तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। मुझे तो लगा था कि मैं अकेला एंटीक पीस हूं। हे बाय द वे, कांग्रेट्स, तुमने सिल्क को हरा दिया है। आई कांट बिलीव यू गाइस, मेरी सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं है, सिल्क फेल हो गई उसके लिए कांग्रेट्स कह रहे हो। इब्राहिम, तुम किसकी तरफ हो? हमारी तरफ हो या फिर सिल्क की तरफ? आई हेट हर, और अगर आपको उसके बारे में बात करनी है ना तो ये इंटरव्यू खत्म। मुझे नहीं पता था कि सिल का टॉपिक इतना सेंसिटिव है। अच्छा ये बताओ, अचानक तुम्हारी फिल्म में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? क्या है ना कि एक दिन मैं अपनी खुद की फिल्म देखते देखते सो गया था। उस दिन के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कॉस्ट्यूम वालों को बोलो कि मुझे दूसरे ऑप्शंस लाके दिखाएं। सिल्क, किसी खास काम से आई हो? नशा करने आई हूँ सर। फिल्मों में काम करना मेरा सबसे बड़ा नशा है। सिर्फ तुम तो जानती हो, मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। हाँ अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो बोलो। 5 रुपए हैं। 5 रुपए? शुरू शुरू में मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं देगा, 5 रुपए देकर भगा दिया था। आप ही 5 रुपए दे दो सर, शायद वही टाइम वापस आ जाए। मैं वो डॉगी बन गया था जो सिल्क को काटने के बाद खुद पागल हो गया था। मैंने कभी किसी को इतना क्लोज फ्रेंड नहीं बनाया जितनी क्लोज वो दुश्मनी की वजह से आ गई थी। क्यों गया था मैं उसके पीछे? कंपनी चाहिए थी, दोस्त नहीं मिला तो दुश्मनी सही। ऐसे मत देखो, लगता है मैरिनेटेड मुर्गी को तंदूर देख रहा है। कम से कम अपनी कहावत में तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। तुम यहां क्या करने आए हो? दोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही। हाँ
तुम्हारी जो इतनी बजाई है, देखने आया था कि सिल्क पे कितनी सिलवटें पड़ी हैं। कॉफी पी लो, पैसे मैं दे दूंगा। दो सिल्क कॉफी लाना। क्या मेरे नाम की कॉफी फेमस है? पी लो, हैंगओवर के लिए बेस्ट है। You'll burn in hell. और तुम तो उसे भी बॉनफायर समझ के हाथ सेकने आ जाओगे। दिल और दिमाग आपस में झगड़ा कर रहे थे। शायद मैं बहुत ज्यादा टाइट था कि सिल्क अच्छी लगने लगी। दिमाग ने बोला, पागल मत बन, संभल जा। हर आदमी के लिए एक औरत बनी है, उससे बच गए तो लाइफ बच जाएगी, फिर ना गए। हर एंगल से देखा, डिफरेंट पोजेस में देखा, उल्टा हो गया, बट सेम रिजल्ट। तो मुझे अच्छी लग नहीं सकती। जाकर चेकअप करवाओ, नहीं तो शादी के बाद बीवी भी अच्छी नहीं लगेगी। घर में शराब है? मेरे माथे पर सी लिखा है क्या कि दारू भी पिलाऊं, इंसल्ट भी करवाऊं? इंसल्ट ना करूं इसलिए चाहिए। मुझे लगता है तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती है। ये वाली सबसे बेकार है। इसका मतलब ये वाली तुम्हारे दिल पे लगी। बाथटब का कलर डल है और बबल्स थोड़े और होने चाहिए, मजा नहीं है। वापस कर दो। मैं ये रख लूँ। ये वाली। बच्चे भी तुमसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं। अगर जिंदगी तुम्हें बुढ़ापे तक झेल सकी तो तुम एकदम अपनी माँ जैसी लगोगी। ये मेरी माँ नहीं, नायला मेरी माँ का इंटरव्यू लेना चाहती थी, और तुम तो नायला को जानते हो, एक बार पीछे पड़ जाए तो बस। नायला को मना करना मुश्किल था और अपनी माँ बनना आसान। बालों में पाउडर लगा लिया, फीकी सी साड़ी पहन ली और दे दी इंटरव्यू। तुमने आज तक कोई सही काम किया है? हाँ, माँ के पास क्यों नहीं लेके गई उसको? माँ ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। वो लोग मेरे लिए क्या इंटरव्यू देंगे जो मुझे पैदा करके शर्मिंदा हैं? अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो लोगों को कैसे पता चलता कि औरत तुम्हारी जैसी भी हो सकती है? तारीफ में गाली दे रहे हो या गाली में तारीफ कर रहे हो? तारीफ तो तुम्हारी कर नहीं सकता हूं मैं, पर आजकल तुम्हें गाली देने का मन नहीं कर रहा है। संभल कर इब्राहिम साहब, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने कहा था ना, तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती हैं। आज तक तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? प्यार जो बिस्तर पर ले जाए, हाँ। प्यार जो नींद उड़ा दे, नहीं। कितने लोगों ने तुम्हें टच किया है?
टच तो बहुतों ने किया है पर छुआ किसी ने नहीं। यही होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, पास आते हैं, किस करते हैं और कहानी खत्म। मैं तो बदनाम हूं उन सब चीजों के लिए। पर अगर ये कहानी इसी तरह खत्म होगी ना शराब उतर गई, नशा उतर गया, तुम फिर भी अच्छी लग रही हो। सिल्क, तुमने इब्राहिम को खराब कर दिया। हेलो सिल्क, कौन है? मैं हूँ। कौन बोल रहा है? अरविंद सेठ। कौन चाहिए? कौन नहीं, क्या चाहिए पूछिए, पैसा वो भी पूरा। कहाँ ना वापस कर दूंगी, कहाँ भागी जा रही हूँ, घर है ना तुम्हारे पास गिरवी? सुनिए मैडम, बस फिल्म साइन करते ही पैसे वापस कर दूंगी। देखी थी आपकी लास्ट फिल्म और खाली थिएटर भी देखे थे, अब आपको कौन फिल्म देगा? अगले हफ्ते तक पैसे वापस नहीं मिले तो घर गया। पता था कि सिल्क इतना टूट चुकी थी कि बिल्कुल ही बिखर जाएगी। उसे खुद नहीं पता था वो क्या करने जा रही थी। अरे वाह, आप आ गई मैडम, आइए आइए आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, आइए ना आइए आइए, आपके लिए सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। मतलब स्टोरी क्या है, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स? देखिए सेक्सी स्टोरी है, सेक्सी डायलॉग्स हैं, आइए आइए, और आपके सेक्सी एक्सप्रेशन रहना चाहिए। मैडम, आपके सर से लेकर पैर तक सिर्फ सेक्स ही सेक्स टपकना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ। आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे नहीं होगा शायद। अरे सुनिए तो बात मेरी, इनको देखकर आप घबरा रही हैं। अरे ये जूनियर आर्टिस्ट है, अरे आपकी बात अलग है भाई। ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ आइए, मैं आपको समझाता हूँ, बैठिए। देखिए आप जैसा कहेंगी ना वैसे ही कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक मिनट, देखिए इस समय मेरे पास फिल्म भी है और पैसे भी आपके लिए, रख लीजिए रख लीजिए, रखिए। मैडम दोनों चीजें आपके पास इस वक्त नहीं है, क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, कर लीजिए कर लीजिए। मैं कहता हूं आप एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा ड्रिंक लीजिए, फिर रिलैक्स होके आराम से सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रिंक? जी सर। देखिए एक बार अगर आपने मुथु के साथ काम कर लिया ना तो ऐसे पैसों की छड़ी लगा दूंगा। अरे
कि आपके पीछे पैसे और फिल्में दौड़ेंगी दौड़ेंगी। ये लीजिए। अरे लीजिए भाई, सोचना क्या, कम ऑन। सिल्क नहीं, रेशमा भागी थी वहां से। वो रेशमा जो अपना नाम बनाना चाहती थी, वो ये कैसे दिखा देती कि वो अपनी पहचान भी खो चुकी है। धो लीजिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुथु आपको दिखा देगा। आइए मैडम। चाहिए? कम ऑन सिल्क, पिकअप।
तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं, उठाना। इस वक्त सिल से बात नहीं हो पा रही है, शायद वो घर पे नहीं है। अच्छा। मुझे भी कहीं बाहर जाना है तो कल सुबह चलते हैं। हाँ ठीक है। ओके कंग्रेट्स, व्हाट अ फिल्म, क्या काम किया है, सब लोग तारीफ कर रहे थे। मेरी शर्ट की बटन्स टूट गए, छाती प्राइड से इतनी चौड़ी हो गई थी। फिर क्या चीज थी जो मिसिंग थी? मैं तो पार्टी में था पर माइंड कहीं और। सिल्क, 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 सिल्क। दिमाग में उसी के नाम की घंटी बज रही थी और वो थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी। एक्सक्यूज मी, हेलो। तुम्हारा भी अजीब है सिल्क, जब मैं तुम्हें इग्नोर करता था तुम सब जगह दिखती थी, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारा पता ही नहीं है। हा? अपने आप पर रहम करो इब्राहिम, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। एक बात सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे अपनी अगली फिल्म में ले रहे हो? उससे भी बड़ी बात है। तो आ जा। इस वक्त नहीं, मैं इस वक्त एक बोरिंग पार्टी में बोरिंग लोगों के साथ बैठा हूँ। कौन कौन है? वही पुराने पापी, सूर्यकांत, रमाकांत, विजयन, वेंकट, सेल्वा, गणेश। सबको मेरी तरफ से बाय बोल देना। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है, सुबह आ जाना। हाँ ठीक है, प्रॉमिस। Has a point. Hey, Abraham साहब, आपकी पार्टी है, आप ही को ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ गायब हो गए थे? इतनी देर कहाँ थे? सिल्क से बात कर रहा था। जब बस खड़ी है तो क्यों भागकर उसे पकड़ रहे हो? बेकार है, उससे तो कभी बात कर सकते हो। Enjoy the party. वैसे क्या कह रही थी मैडम? आप सबको बाय कह रही थी, कहीं जा रही है। ठीक ही है रमाकांत, चले जाना चाहिए उसे, वैसे भी उसके लिए यहां बचा ही क्या है। Thank you.
सिल्क 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 जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। ऐसे ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनके जवाब किसी गाइड में नहीं मिलते। मां ने दरवाजा खोलते ही गले से क्यों नहीं लगा लिया, ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि एक स्टार को चाहने में और उसी से प्यार करने में बहुत फर्क है। जिससे तुमने अपने लिए लड़ना सिखाया वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं लड़ा। हर कोई कमर में हाथ डालना चाहता था, किसी ने भी सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा। लाइब्रेरी में भी पेज टर्न होने की आवाज आती है, साइलेंट जोन में भी कोई ना कोई हॉर्न बजा ही देता है, पर जब तालियां सुनने वाले कानों में गालियों की आवाज भी ना आए तो जिंदगी खाली थिएटर जैसी हो जाती है। सिल्क सही थी या गलत पता नहीं, इंसान की जिंदगी का केस बहुत लंबा चलता है, लेकिन फैसले सारे ऊपर ही होते हैं। ऊपर सिल्क तो ऊपर भी आफत ही मचा रही होगी।